अरे बेटा गोपाल कैसे आना हुआ? पाई लागू चाचा जी, कैसे नहीं आता बारात में, मैं तो लड़के के मामा का मामा हूँ। अच्छा, अरे गिरधर पहचाना नहीं अपने बचपन के साथी को? गोपाल है ये, गिरधर हो गया है। मैंने तो इन्हें पहचाना है लेकिन इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अरे भाई कैसे नहीं पहचानता, जेलर बनू या इंस्पेक्टर जनरल, भला अपने बचपन के साथियों को भूल सकता हूँ? जल्दी से कपड़े पहन के तैयार हो जाओ, लाजी की मदद करनी है, बारात आ रही होगी। अरे भाई मुझे तो लुंगी की जगह लुंगा ही पहनना है ना। हाँ मैं शादी में शामिल नहीं हो रहे। कैसी बातें कर रहे हो, बेटी की शादी और बाप गायब? हाँ हाँ, अगर बेटी की खुशियाँ मंजूर हैं तो हम तीनों को गायब रहना ही पड़ेगा। अरे मजाक मत करो यार। अरे मजाक नहीं, जेलर गोपाल याद है? जेलर गोपाल? उसे शामियाने में मैंने देखा है, वो हमें जरूर पहचान लेगा। मगर वो यहाँ कैसे पहुँचा? ये सब छोड़ो, बारात आने से पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्या हम बेटी के हाथ पीले हो तो नहीं देख सकेंगे? मैं तो कहता हूँ उसे हमें गिरफ्तार कर लेने दो, हमें शादी में जरूर शामिल होना चाहिए। तुम क्या समझते हो कि गिरफ्तार होने के डर से मैं भागना चाहता हूँ? तो और किस डर से भागना चाहते हो? इसलिए कि अगर हम पंडाल में गए तो वो हमें गिरफ्तार कर लेगा, और जब सबको ये पता चलेगा कि हम चोर हैं तो राधा के दिल पर क्या गुजरेगी, उसकी शादी रुक जाएगी। ठीक है, और बिटिया की जिंदगी बर्बाद करने का हमें कोई हक नहीं। एक छुप कर अपनी बेटी को देख लें, उस शादी के जोड़े में किसी लगती है? अभी मौका नहीं, आओ। आप तीनों यहाँ खड़े और मैं बाहर तलाश कर रहा हूँ। बारात के आने का समय हो गया और बारात के स्वागत का काम आपके सुपुर्द किया हुआ है। देखिए आज तक सब काम आपने किए हैं, अब भी कन्यादान से लेकर बारात की विदाई तक सब काम आपको संभालना है। लाए भी हम माफी चाहते हैं, हमें अभी अभी यहाँ से जाना होगा। ये अभी अभी क्यों कह रहे हैं आप? अब हम क्या रुक नहीं सकते, ये हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं आपको जाने की इजाजत ही नहीं दूंगा। राधा आपकी बेटी है और आप उसकी शादी अधूरी छोड़कर चले जाओगे, आपके आशीर्वाद के बगैर उसकी शादी मुकम्मल कैसे होगी? लाला जी आपको कैसे समझाएं, समझ में नहीं आता। हमें आज्ञा दीजिए, हमें जाना ही होगा। हमने अनजाने में आपका दिल दुखाया है क्या, किसी ने आपका अपमान किया है? ऐसी बात नहीं है लाला जी, आप जैसा अच्छा आदमी किसी का अपमान क्या करेगा। दरअसल बात यह है कि हमने आपको धोखा दिया। आप क्या कह रहे हैं, देवता लोग भी किसी को धोखा दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, हमने आपको धोखा भी दिया है और पाप भी किया है, मगर अब और पाप नहीं करेंगे। लाला जी आप जैसा हमें समझते हैं वैसे नहीं है, हम दुनिया से ठुकराए हुए बहुत खराब तरह के इंसान है। लाला जी हम तीनों मुजरिम, चोर हैं, डाकू हैं, खूनी हैं। आप मुजरिम हैं? मैं तो क्या एक बच्चा भी विश्वास नहीं कर सकता। अरे आप लोगों ने अभी तक कपड़े नहीं बदले, बारात आने वाली है, चलो चलो जल्दी तैयार। राधा की माँ देखा तूने, ये तीनों देवता आज हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हैं, ये तीनों परोपकारी यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं और बहाना भी क्या ढूंढा है, कहते हैं कि हम मुजरिम हैं। ये बात भगवान भी आकर मुझसे कहेगा तो मैं नहीं मानूंगा। भाभी हम तीनों जेल से भागे हुए कैदी हैं। मजाक छोड़ो, आपने हमारी डूबती नैया को पार लगाया है, इस घर को वो सुख शांति दी है जो भगवान भी नहीं दे सकता। क्या आप राधा की डोली को हाथ लगाए बिना जाए, और मैं राधा को क्या जवाब दूंगी? भाभी अगर हम यहाँ से अभी ना गए तो हो सकता है कि ये सुख दुख में बदल जाए। अगर किसी को पता चल गया कि हम चोर हैं तो इस दरवाजे पर पुलिस आ जाएगी और बिटिया की शादी में विघ्न पड़ जाएगा। ये जो कह रहे हैं वो सच है, मैं इनको पहचानता हूँ, लेकिन एक दिन जब मैंने इनको एक बच्चे की जान बचाते हुए देखा तो मैंने सोचा जब एक मुजरिम इंसान हो सकता है तो क्या एक मैं ही गिरा हुआ इंसान हूँ जो इन्हें गिरफ्तार करवा दूँ, इसलिए मैंने ये बात छुपा कर रखी। अब आपको विश्वास हुआ? देखिए ये बात अपने तक ही रखिएगा, राधा बिटिया को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन हैं। अगर उसको पता चल गया कि हम लोग डाकू चोर खूनी थे तो उसका दिल टूट जाएगा, बिटिया के सर पर हमारा हाथ रखेगा तो कहिएगा कि अंकल तुम्हें विदा होता हुआ देख नहीं सके इसलिए चले गए। ठहरो भैया ठहरो, दुनिया कानून पुलिस की नजरों में आप कुछ भी, लेकिन हमारे लिए तो आप तीन देवता हैं। मुझे आज्ञा दो, मैं आपके पास हूं। आ, 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 आ,
कहीं भी नजर नहीं है। बेटी, वो तेरी विदाई सह ले जा। जब किसी की बेटी घर से विदा होती है तो माँ बाप के लिए वो दिन भी क्या दिन होता है। शायद इस वक्त तुम्हें अपनी बेटी याद आ रही है। बेटियों तो सबकी सांझी होती है। अरे भाई, बेटी तो अपने ससुराल जा रही है, अब हम किसके ससुराल जाएंगे? हम किसी के ससुराल नहीं जाएंगे, हम वहीं जाएंगे जहाँ से हम आए हैं, यानी कि अपने मायके। ये दुनिया इतनी अच्छी है कि हम लोगों के काबिल नहीं। क्या फिर जेल? वेरी गुड आइडिया है ना। बिग बॉस आओ। शुरू।